बिसम लिम्स अल्लाम व्लि वर्क खुशखा और मटन ख़ुरमा रमज़ान स्पेशल और ट्रेडिशनल तरीक़े से हम पकाएंगे बहुत ही उमदा बहुत ही लजीज़ बहुत ही अच्छा आपको ये वीडियो लगेगा इन सब लोग मेरी वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें मेरी हौसला अफजाइश के लिए तो चलिए वीडियो की जानब चलते हैं यहाँ से हमने पच्चीस से तीस आदमियों का खाना पका रहे हैं तो टमाटो हमने बीस टमाटो ले लिया है ठीक है बीस से पच्चीस और नारियल एक तो नारियल हम खुरमे के लिए डालेंगे और टमाटो भी ठीक है तो यहाँ पर थोड़े मसाले हैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और धनिया पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला और चिली पाउडर और सॉल्ट ठीक है तो हमने यहाँ पर दो के जी गोश्त लिया है दो ठीक है तो आलू पाँच से छ लेंगे आलू पाँच से छः लेंगे ओके अच्छी तरह से ऊपर का छिलका छील लेंगे और मेथी की भाजी जो होती है मेथी जो ड्राई मेथी होती है वो डालेंगे और प्याज ये आके खाने के लिए है मेथी और प्याज़ और गार्लिक जिंजर का पेस्ट ठीक है तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये सब जो चीज़ें हैं सिर्फ सालन के लिए जो ख़ुरमा बोलते हैं ठीक है खरमे में हम डालेंगे ठीक है तो यहाँ पर ये यह खरमा बनने वाला है तो चावल के लिए ख़ुशी के लिए हम यहाँ पर ले लिया है धनिया का पत्ता और चावल और हरी मिर्च यहाँ पर हमने ले लिया है ऐसे ही हम डालेंगे और प्याज़ ठीक है प्याज़ हम डालेंगे दो से चार प्याज हमने ले लिया है पुदीना और खुतीमीर हमने ले लिया है तो यहाँ पर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी हम फ्राई करेंगे तो हम पहले सबसे पहले जो कोकोनट है हम इसको पीस लेंगे नारियल ओके अच्छी तरह से पीसे गया है हमारा जो नारल है एक नारल तो नारल पीसने के वक़्त थोड़ा पानी मिला लीजिए क्योंकि नारल पीसे नहीं जाता है ग्राइंडर में तो हम यहाँ पर टमाटो पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा मत डालीजिए ऊपर की तरफ आ जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा करके ये टमाटो हम पीसेंगे और पीस के एक साइड में रख लेते हैं तो यहाँ पर हमारे टमाटो गए जार के अंदर और पीसे गए हैं तो अच्छी तरह से पीसे गए हैं तो हम एक पतीले में ले लेंगे टमाटो तो और थोड़े से बचे हुए हैं और इसको भी हम इसी तरीके से हम पीस लेंगे तो यहाँ पर हम एक पतीला ले लिया है और ऑयल भी डाल लिया है इसमें तो दूसरा भी पतीला ले लिया है खुरमे के लिए ठीक है ये पतीला जो है चावल के लिए जो खुशखा बोलते हैं उसके लिए ये पतीला है और ये जो पतीला है खुरमे के लिए है तो हम दो भी पकाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और पसंद आए तो आप भी ट्राई करिए आपके घर वालों के साथ बनाइए खाइए और हो सके तो दुआ में याद रखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम प्याज़ ले लिया है खुरमे के लिए तो पहले हम खुरमा यहाँ दिखा रहे हैं तो अच्छी तरह से और खुशखा ये जो खुशखा है यहाँ पर भी हम प्याज डालते हैं अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को ओके तो गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट भी डालेंगे तो अच्छी तरह से हम यहाँ पर जो खुशखे का ऑयल है आपके हसब आप ले लीजिए ठीक है तो हमने यहाँ पर हरा मिर्च ले लिया है ग्रीन चिल्ली एकदम ज़बरदस्त आएगा ट्रेडिशनल तरीके से मैं पका रही हूँ बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत ही अच्छा लगेगा तो यहाँ पर हम मेथी की जो ड्राई भाजी होती है वो हमने ले लिया जायका तो एकदम ज़बरदस्त आएगा एकदम ज़बरदस्त आएगा तो हम यहाँ पर ढक देंगे पतीला तो दूसरी तरफ जाते जाते हैं खुरमे की तरफ ये हमारा खरमा का जो प्याज़ है वो ब्राउन कलर का हो गया है तो हम ये सारे मसाले हम डाल देंगे जो मैंने दिखाए थे ठीक है तो अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेते हैं भून लेते हैं गोल्डन फ्राई क्योंकि कच्ची बास जो होती है उसमें सालन में होती है और खाने के लिए नहीं होता है तो अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई करेंगे अच्छी तो तरह से फ्राई कर लेंगे ओके तो यहाँ पर हमारा टमाटो जाएगा जो अच्छी तरह से हमने पीस लिया था तो अच्छी तरह से बबल्स आना चाहिए अच्छी तरह से पकना चाहिए कहीं कही कच्ची बास ना रह जाए अच्छी तरह से फाइव मिनट्स के लिए अच्छी तरह से पका लें तो यहाँ पर हमारा टमाटो गया खुरमे में जो एक एक चीज़ हम कर करके डालेंगे तो यहाँ पर हमने आलू ले लिया है पटाटो ले लिया है और पटाटो को अच्छी तरह से जो शोरबा है उसमें अच्छी तरह से भूनेंगे अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे क्योंकि उसका अच्छा मसाला जो है उसमें जाना है और उसमें सोख होना है तभी जाके जाय आएगा तो हमारा यहाँ पर मटन हमने ले लिया है मटन भी हम डाल देंगे इसमें अच्छी तरह से पकेगा तो अच्छी तरह से मिक्सिंग होने के बाद हम यहाँ पर जो हरा धनिया होता है वो डालेंगे ठीक है और साथ में हम मेथी की जो भाजी होती है ड्राई भाजी वो भी डालेंगे तो हरा धनिया हो गया मेथी की भाजी और हरा धनिया दो भी मिक्सिंग करके हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ज़ायख़ा बहुत ही अच्छा आएगा बहुत ही उमदा आएगा आप खाएँ ना तो खाते ही रह जाएँगे उसके बाद हमने यहाँ पर खुशके की तरफ आ गए हैं जो खुशके का पतीला है हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है ग्रीन चिल्ली हरा मर्च और जो प्याज़ है हमारी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे पुदीने का पत्ता और धनिया का पत्ता हम डालेंगे और जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो अदरक लहसुन का पेस्ट बोलते हैं वो हम डाल लेंगे जो घर में ही बनाया है आपको चाहिए तो उसकी जो मेथड है तो मेरी वीडियो में देख लें किस तरह से बनाते हैं ठीक है तो हर एक मसाले एकदम इसमें बहुत ही स्पेशल हैं बहुत ही अच्छे हैं आप लोग ट्राई कीजिए और फीडबैक मुझे कमेंट्स में अपने राय और मशवरा कीजिए ठीक है आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छे दिखते हैं बहुत ही दिल खुश होता है और दिल से दुआ निकलती है तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से फ़्राई कर लिया है हमारा जो खुरमे का जो मसाला है अब इसको हमने पानी डाल लिया है ठीक है मैं हाथ में दो हाथ से पकड़ के नहीं डाल सकती तो मैंने ऑलरेडी पानी मिला दिया है तो इसको अब हम बबल्स आने देते हैं अच्छी तरह से पकने देते हैं जो चावल है हमारा इसमें डालने के लिए तो चावल को अच्छी तरह से धो के एक साइड में रख लें और खुश्क ना होने दें चावल को खुश्क ना होने देना तो टूट जाएगा चावल आपका तो ठीक तरह से फूले फूले से चावल नहीं आएंगे जब पकेंगे तो हमने चावल यहाँ पर डाल लिया है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे नहीं तो ऊपर पड़ गया तो बहुत ख़राब हो जाएगा गर्म होता है तो 25 से 30 आदमियों का खाना है ये तो हम यहाँ पर पका रहे हैं तो अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे ठीक है तो नमक और तेल देख के खर्चा करना है क्योंकि ज़्यादा हो गया तो कम करने होता कम करने के डली अब हम हैं पर सॉल्ट जो नमक होता है नमक चमक हम डालेंगे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे दिखेगा एकदम नमक डालने से जायका भी अच्छा डल जाएगा तो लास्ट में हमारा नमक इसमें गया तो हम अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग किया और पतीले को हमने ढक दिया है तो ट्वेंटी हाफ आवर के लिए सिम में रख दीजिए और पक जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो खुरमा है वो पक रहा है अच्छी तरह से पक रहा है तो साथ में हम जो नारल लिया था ना उसका जो मिल्क होता है वो हमने मिक्सिंग किया है नारल का दूध जो आता है वो हमने डाल लिया है थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे चार से पाँच गिलास हम पानी को ऐड करेंगे ठीक है ज़्यादा थिक होने से भी अच्छा नहीं लगेगा मीडियम होना चाहिए चावल के साथ ये खुरमा खाया जाएगा और रोटी के साथ भी आप लोग खा सकते हैं रमज़ान में तो बहुत ही अच्छा लगेगा एकदम सिंपल सी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को पच्चीस से तीस आदमियों को पकाइए डालिए दीजिए और उसका लुत्फ उठाइए और दुआ में हमें भी शामिल कीजिए तो हमने यहाँ पर कुकर का लिड हमने बंद कर दिया है चार विजल आने देते हैं तो उसके साथ धीमी आंच में हम पकाएंगे ठीक है बहुत ही अच्छा दिखेगा बहुत ही प्यारा दिखेगा आप खा के ट्राई करके जब ट्राई करेंगे ना तो मुझे भी अपने दुआओं में शामिल कीजिए दुनिया और आखिरत के लिए तो यहाँ पर हमने सबको दे दिया है खाना और बासन यहाँ के वेज़ल्स तो बहुत सारे पड़े हुए हैं और साथ ही साथ मुझे भी ये काम करना चाहिए तो मेहमान आए और खा के गए और यहाँ पर वेज़ल पड़े हैं तो हमने यहाँ पर क्लीन कर दिया है जल्दी जल्दी से तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मेहरबानी करके आप अपना मेहरबानी करके आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए अपना राय और मशवरा कीजिए तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है साथ साथ क्लीनिंग भी होना ज़रूरी है पाक सफाई आधा ईमान होता है तो हम पाक साफ कर दिया है तो बताइए आप सब लोग तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें